इतनी सारी कराची की मेहंदी। कराची का एक ऐसा तोहफा, कराची का एक ऐसा तोहफा जो कि कहीं भी नहीं मिलता। देखो, ये रहा अम्मी का सामान। अम्मी खैरियत से आ गई कराची से। कैसा रहा सफर? सामान बहुत है। अच्छा, सामान इतना में निशान तंग आ गया। चलो अंदर आओ, अभी नहीं खोलो, आ जाओ अंदर अंदर अंदर। ये रहा यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आंखें को बंद कर लो मेरे बेटा। मेरा बच्चा, आंखें क्या बंद कर रहे हो? नानों को देख के हैं आप ठीक हो? आप बीमार हो गए थे बहुत। ओए होए होए, मैंने आंख चली भी है। अरे मेरा बेटा भी बीमार हो गया था, मेरा यार भी बीमार हो। क्या क्या चीजें लेकर आई? अच्छा, पूरा कराची खरीद के लिए आई? पूरा कराची क्या लेके आई हूँ? देखा तो सारी सारी चीजें जो गांव देहातों की होती है वो शहर से लेकर आई। मतलब लाहौर में मिलता ही नहीं वो। लाहौर में वो चीजें मिलती नहीं। अम्मी ऐसी ऐसी चीजें लेकर आई हैं। अभी हम चेक करते हैं कि अम्मी क्या क्या चीज में। हमें रंग कितना काला आ रहा था। क्या लाई है? ये एलोवेरा का पौधा लेकर आई। ओह माय गॉड, क्यों लाहौर में नहीं मिलता एलोवेरा? बस मुझे शौक चीज लाई हूँ। इतना छोटा सा पौधा। अम्मी अम्मी इसमें पानी की भी जरूरत है सारा। दी, ये ना गाड़ी में परेशान हो गया ना बेचारा। ये देखो ना, ये बेहोश हो गए पत्ते। बदतमीज हो गया। अब ये ठीक हो जाएगा। और बहुत सारे सामान है गाइस, आप धीरे धीरे देखते जाए। और एक बहुत ही एक स्पेशल सा गिफ्ट है जो मैं आपको सबसे सबसे लास्ट में चेक कराऊंगी, दिखाऊंगी। जो ऐसी एक चीज़ है, ऐसी अनमोल चीज़ है जो पूरे पंजाब में नहीं मिलती। आप सब हैरान हो रहे होंगे कि ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो पूरे पंजाब में नहीं मिलती और सिर्फ वो कराची में मिलती है। हाना भाई बुरहान, तो अभी हम अपने थोड़ी देर में हम अपने गाइस के साथ लाजमी शेयर करेंगे। अम्मी मुझे लग रहा है दुबई से आई है, टेची खोल रही है। बच्चे खुश हो रहे हैं। ये क्या है? ये कड़ी पत्ता। ओह माय गॉड, मिलता है अम्मी, पौधा मिलता है, मैं खुद नहीं लेकर आती। ठीक है अम्मी, मिलता है। नहीं भाई, कड़ी पौधा। इस बार कड़ी पौधा, कड़ी पौधा। ये देखिए खुशबू आ रही है। खुशबू ऐसी वैसी है, देख। ओके, कड़ी पत्ता ले आई है ना? अब कड़ी बनाए। हाँ, मैंने नानू के हाथ की कड़ी खानी है। मैंने बनाई नहीं अम्मी, कड़ी वगैरह मैंने नहीं बनाई। ये जी गाइस मेहंदी। अच्छा, सबकी सबकी मेहंदियाँ, सबकी गिफ्ट मेहंदियाँ। बुरहान सब्र करो, तसल्ली रखो। बुरहान, ये है कड़ी पत्ता जो कि अम्मी लेकर आई है कराची से। अम्मी को लग रहा है कि लाहौर से ये नहीं मिलता, लेकिन लाहौर से मिलता है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी। अम्मी को ना मैं इसका पौधा ला के दिखाऊंगी। एक्चुअली मेरा ना नर्सरी जाना होता ही नहीं है, तो अब मैं जाऊंगी। ये देखें गाइस, ये क्या है? इतनी सारी कराची की मेहंदी यार, कमाल। अच्छा, इतनी सारी। ये गाइस देखें, ये सबके गिफ्ट हैं। अच्छा, क्योंकि कराची की मेहंदी बहुत मशहूर है। हाँ, बहुत फेमस। ये तो मैंने लान के बड़े संभाल संभाल के लेकर आई हूँ मैं। अच्छा, बहुत ज्यादा। हाँ, ये वाली नो खराब नहीं होगी थोड़ी सी? नहीं नहीं, खराब नहीं, कोई खराब नहीं है ये वाली। ओहो, बस बुरहान की चीजें शुरू हो गई हैं। तुम्हारा जी नहीं भरता है? आपने ये क्या लाए मेरे लिए? ये किसने भेजी है? मैं बताती हूँ, ये समर ने दी है। ओ, समर ने। थैंक यू समर, आप मेरे ब्लॉग देख रहे हो। थैंक यू समर, आपने बहुत अच्छा ये मेरे लिए गिफ्ट। आपको पसंद आया? बहुत अच्छा, क्योंकि समर के पास भी ऐसा एक था। यस, अब इसको गाइस मैं आपको एक और चीज। चल भाई, अम्मी कितनी चीजें, ये दिखाओ वो दिखाओ। ये जो है ना जंगे का रंग। ओह माय गॉड, ये वहाँ पर फरजाना दवाखाना का है। हाँ जी, ये दिखाई जर्दा फूड कलर। ये तो मुझे लाजमी चाहिए था, यहाँ पर मैं बिरयानी बनाती हूँ, इतना कलर ऐड करती हूँ, वो वाला कलर ही नहीं आता। मैं ज्यादा लेकर आई। ये अच्छा किया, ये तो बहुत अच्छा किया। बुरहान को पसंद आई अपनी चीजें? थैंक्स बोलो समर को। थैंक्स समर। और आप दाखिलो को जी। थैंक यू आप दाखिला। ओके, है फरजाना दवा खाना की मेहंदी। अच्छा, ये किसी लाई है? बालों में लगाने के लिए? बालों में लगाने के लिए। अम्मी तो यूज करती है ना हेयर कलर से ज्यादा, अम्मी मेहंदी यूज करती है। ऑर्गेनिक है,
हर्बल है और इसका इतना इतना प्यारा कलर आता है ना, बहुत ही खूबसूरत नेचुरल सा कलर आ जाता है, बहुत प्यारी। इतनी सारी कौन मेहंदियाँ, ये देखें जी, मुझे तो खैर इतना ज़्यादा शौक नहीं है कौन मेहंदी का, ये है गिफ्ट मैंने अपनी फ्रेंड्स के लिए, कुछ हैं यहाँ पर लाहौर में, ऐसा नहीं कि लाहौर में मेहंदी नहीं मिलती, लेकिन कराची की मेहंदी की तो क्या ही बात है, आप सबको पता ही है। तो ये मैं कितनी है टोटल, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दानिश मामू की तरफ से अभी गिफ्ट जो है वो अनबॉक्सिंग होते जा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ किस किस की तरफ से। मशीन गन, अच्छा पहले भी तो थी आपके पास इतनी बड़ी गन, वो तो टूट गई ना, वो टूट, आप क्यों उदास खड़ी हैं, आपके लिए इनके लिए किसी ने कुछ आया, किसी ने कुछ नहीं भेजा हुए हुए, बस मोबाइल की खुशी है। वाओ बुरहान कितनी प्यारी गन है, दिखाओ जरा, यहाँ पर कराची की मशहूर बेकरी की, ये देखें आप दमथल की निम्को, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि निम्को में कौन कौन से आइटम्स हैं। मुझे तो सबसे ज्यादा गाठिया पसंद है, गाठिया लाई है, अच्छा दोनों गाठिया लाई है, यहाँ तो ये बच्चे शुरू हो गए, अभी वो गिफ्ट रहता है, वो सरप्राइज रहता है जो कि मैंने अभी आपसे कहा है कि कराची का एक ऐसा तोहफा जो कि कहीं भी नहीं मिलता, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में मैं आपको भी चेक कराती हूँ। क्या पौधा गिर गया बार बार, पापा उसको उठा के रखो ना टेरिस में, टेरिस में ले जाके रखो, वो चीज़ आपको भी मैं दिखाऊंगी जो कहीं पूरे पंजाब में नहीं है, पूरे पंजाब में आप ढूंढ लें आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पूरे पंजाब में आप ढूंढेंगे और आपको वो नहीं मिलेगी। इसमें है मिठाई कराची की और अभी मैं ओपन करने लगी हूँ कि मिठाई कौन सी वाली है, देखते हैं, बिकॉज आई एम मिठाई लवर, मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मिठाई खोलती हूँ। ये है छोटी छोटी सी जो ये मिठाई नज़र आ रही है, इसमें है ये सोन हलवा, सोन हलवे की टिकिया, और अभी मैं ये डब्बा ओपन करती हूँ मिठाई का, ऐसे मिठाई हटो, एक मिनट हाथ, तो एक मिनट, यहाँ से कैसे होगी। चल ये है मज़ेदार सी मिठाई, ओ माय गॉड, ये है हलवा, हबशी हलवा, देखते ही मेरे तो मुंह में पानी आ गया, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, ये एक पीस में खाऊंगी, शोर जो है वो ऐन कर रहा है, और ये आप देख सकते हैं सारे नट्स इसमें लगे हुए हैं, वॉलनट्स, बहुत 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 ही मज़े की। ये क्या निकाल रही हैं मियाँ, ये जी हम हांडी लाए, कच्ची हांडी, जादू की हांडी के, अच्छा फिर इसमें हम साग बनाएंगे, अच्छा ये हमने स्पेशल अपनी भाभी से कहा बड़ी वाली से कि भाई ये हांडी हम लेके जाएंगे, उनके पास दो थी, अच्छा कह लेंगी मैं किसी को दे दूंगी, मैंने कहा दे नहीं दूंगी ये मैं लेके जाऊंगी, अच्छा कैसी ये दिखाएं जरा, ये देखें, ओ माय गॉड कितनी अच्छी कितनी प्यारी है, ये देखें जी इसका ढक्कन देखें, इसमें है उनके मसाले, ये बहुत खुशबू कर रहे थे, अच्छा हाँ देखो कितने मसाले खुशबू कर रहे हैं, ये देखें जी हांडी, वाह मसालों की तो वाकई खुशबू यहाँ तक आ रही है, हांडी तो जबरदस्त है, कितनी प्यारी है, और अम्मी कितनी हल्की है ना, मैं समझी कितनी भारी सी हांडी होगी, अच्छा क्या बनाएंगी आप इसमें, साग, और अगर साग नहीं बनाएंगे नहीं दम अभी ना गिर जाए, हाँ कितनी शाइन कर रही है, हाईलाइटर लगाया हांडी को, अच्छा क्या बनाएंगी इसमें, इसमें या तो साग बनाएंगे नहीं तो फिर जब मौसम आएगा तो इसमें मिर्चों का अचार डालेंगे, यस मिर्चों का अचार, या तो वैसे तो साग बनाने के लिए बहुत अच्छी है, सही, अच्छा ढक्कन भी कितना प्यारा है, हाँ ढक्कन देखो कितना खूबसूरत है, अबे मैं ट्यूशन का बैग, ये देख बस चीजें देख देख के खुश हो, मम्मा मैं ट्यूशन जा रहा हूं, और कुछ रहता है अभी आ गया है, और कुछ रहता है स्पेशल चीज़ जो हाँ जो अभी गाइस को मैंने दिखानी है, स्पेशल चीज़ जो रहती है, और भी मैंने गाइस को निम्को भी दिखानी है, जो मेरी पसंद की जो चीज़ है वो है ये गाठिया, आई लव इट, ये तो मुझे इतना इतना ज़्यादा पसंद है ना, ये मैं बता नहीं सकती, मतलब चेवड़ा भी मुझे बहुत पसंद है, मिक्स निम्को भी मुझे पसंद है, मतलब निम्को में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे नहीं पसंद, दाल मूँग दाल माश
और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो सबसे सबसे ज़्यादा फेवरेट है ना, वो है ये गाठिया। मुझे गाठिया बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। थक गई है अम्मी को सफ़र की भी थकन है, और ज़ाहिर है सफ़र में इतना लंबा सफ़र तो इंसान थक जाता है। तो इस वक्त मैं रख रही हूँ चाय, चाय बनाने लगी हूँ मैं अपने लिए भी। मैं भी जब से सुबह से उठी हूँ ना, तो मैंने कोई नाश्ता वगैरह आज ख़ास किया ही नहीं। ठीक, ये भी था, खुशी भी थी कि अम्मी आ रही हैं। तो अम्मी बस मैं अब चाय बनाने लगी हूँ। ठीक है, खाने की लाइट तो मुझे बहुत कम लग रही है। हाँ, किचन की लाइट बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्या ख़राब हो गई वाली? नहीं नहीं, अब ठीक है। हाँ ना, तेज करो, अब सही है। चलें, गैस वैस का तो कोई चक्कर नहीं है। चाय, मैं और अम्मी चाय पियेंगे। और ये जो अम्मी लाई है कड़ी पत्ता, इस कड़ी पत्ते को ना मैंने, अम्मी ने कहा कि इसको ना बोतल में डाल दो, तो ये मेरे पास बोतल थी। बोतल नहीं है ये तो, क्या था यार, ये पता नहीं क्या था, जो भी था उसमें मैंने पानी डाल के इसके अंदर ये डाल दिया ताकि थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। इसकी खुशबू वैसे इतनी अच्छी आ रही थी, सफ़र से बेचारा ये भी थक गया है ना, तो थोड़ा इसको पानी शानी मिलेगा ना, तो ये भी फ्रेश हो जाएगा। बना रही हूँ चाय, और ये वो हांडी जो कि यहाँ भी मिलती होगी, बल्कि मिलती है लाहौर में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिन कासिम किचन, तो वहाँ इसमें आती है बिरयानी और हांडी साथ में मुफ्त ये सीन होता है। खैर, अभी भी वो सरप्राइज़ रहता है जो मैंने आपको भी दिखाना है, जो मैंने कहा है कि एक ऐसा सरप्राइज़ आप सोचेंगे जो कि पूरे पंजाब में कहीं नहीं मिलता, वो मिलता है सिर्फ और सिर्फ कराची में मिलता है। हाँ जी, अब टेची खुलने लगा है। फातिमा क्या खा रही हो? मेरे लिए भी थोड़ी सी, मैं चाय लाऊंगी ना, फिर चाय के साथ खाएंगे। मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, बहुत ज़्यादा। बाबा के लिए भी रखनी है, इतनी पसंद है, इतनी पसंद है। मेरा वो आ गया। अयान, आपका क्या है? अयान के भी कपड़े आए, इसके मामू ने भेजे। ओहो, मामू ने कपड़े भेजे हैं, वाह भाई अयान, मजे आ गए हैं आपके तो। मामू ने पैसे दे दिए थे भाई। अच्छा, नानी, मामू ने पैसे दे दिए थे, नानी दे दी थी। मैंने कहा भाई मैं तो इनसे लूंगी, कह लगी इन्होंने दे दिए। तो फिर मैंने कहा, कह लगी बच्चों के लिए कुछ ले जाना। तो देखो हम लाए, ये गन ली हमने, ये मामू, इसके अंदर से पूरी लाइटें आएंगी, और ये 50-100 का। दानिश मामू ने, दानिश मामू, अरे और ये वाली भी है दानिश मामू, थैंक यू। ये समर ने, ये वाली जो छोटी है ना, ये समर ने, थैंक यू, आपने मुझे इतनी अच्छी कर दी। अच्छा दिखाएं, खोलें, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है यार। ये उम्र की है जी। हाँ, कितनी प्यारी लग रही है, नमाज पढ़ोगी, मुसलमान हो जाओगी, इस्लाम कबूल करोगी। हाँ, तहरीम पढ़ती है नमाज हमारी। आपके लिए क्या आया, क्या आया आपके लिए? ये क्या है? फूल आया हमारे, ये खजूरे हैं। ओके, ये पानी है। ओके, जानमाज, ये गिफ्ट, ये तबर्रुक है। हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको लेकर जाए। आमीन, हमें भी इंशाल्लाह। इकलौती नानो को रोना भी आ गया, यहाँ आती है तो उनके लिए रोती है, वहाँ जाती है तो हमारे लिए रोती है। देखिए जी, मुझे तो ये अयान का लग रहा है, ये अयान का सूट। हाँ, ये इतना बड़ा साइज, बड़े मुंह वाले का, प्यारा है, बहुत प्यारा सूट। चलो, मुझे भी ऐसा ही चाहिए। फुल स्लीव्स ली अम्मी, ये बहुत अच्छा किया। ट्राउजर तो देखो कितना प्यारा है। हाँ, ये देखो, वाओ, एडिडास। मैंने पसंद आया आपको? बहुत ज्यादा। ये है मेरी फातिमा का, कितना प्यारा लग रहा है, वो बुरहान का, अयान का, ये फातिमा का, ये फातिमा का दुपट्टा भी है। पाकिस्तान में रहती है बेटा, दुपट्टा लेना है आपने, आई समझ में? और वो भी बहुत प्यारा कलर है, दोनों सूफियाना कलर है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अब यहाँ लाहौर का मौसम चेंज हो गया है, ये अल्लाह ज़िंदगी दे आपको सेहत दे परवरदिगार, ये नेक्स्ट ईयर। हाँ, ये अब पहनने वाला मौसम नहीं है, क्योंकि लाहौर का मौसम हो गया है चेंज। ये उन्होंने अपने दामाद को भेजे हैं। अच्छा, ये देखें, वाओ कितने प्यारे कलर हैं अम्मी, शान के? हाँ, दोनों कलर ही बहुत ही प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत। शान पहनते भी तो इसी तरह के कलर्स हैं, और स्टफ भी इसी तरह का पहनते हैं, वॉशिंग वेयर से ज़्यादा उनको कॉटन अच्छी लगती है। जाएंगे रमज़ानों में, आधे रमज़ानों में हम सब जाएंगे, ईद हम वहीं करेंगे,
और मैं और अयान यहाँ रहेंगे, है ना अयान? मैं और अयान लाहौर में रहेंगे। बोलो नानू मैं कैसे जाऊँगा? नानू संभालेगी। बोलो नानू मैं कैसे जाऊँगा, इतनी दूर में जा ही नहीं सकता। अच्छी गाड़ी करवाएंगे हम। मैं अपनी मम्मा की शादी लाहौर में। नाश्ता अभी ट्रेन में नहीं किया था। ट्रेन में मैंने बिस्किट खाए। वो सरप्राइज, वो प्रेजेंट जो मैं आपसे कह रही थी कि पूरे पंजाब में नहीं मिलता है, वो भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि वो कौन सा सरप्राइज है ऐसा जो पूरे लाहौर में क्या पूरे पंजाब में नहीं मिलता और वो सिर्फ और सिर्फ मिलता है कराची से, सिंध से। तो वो अम्मी लेकर आई हैं। अम्मी क्या है वो सरप्राइज? ये देख, 1 2 3 वो है ये झाड़ू। यस, वो है ये झाड़ू जो कि पूरे लाहौर में क्या पूरे पंजाब में क्या कहीं भी हम झाड़ू मिलते हैं। झाड़ू मिलते हैं लेकिन वो आप सबको बताओगे किस स्टाइल के मिलते हैं, किस टाइप के मिलते हैं। तो मुझे तो वो झाड़ू इस्तेमाल करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इंडियन झाड़ू पसंद है। अम्मी खोले यहाँ से इसको। कराची वाले जो मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे वो तो हंस रहे होंगे कि आप ही ये ऐसी क्या चीज़ है जिसको आप इतनी खुशी से बता रही हैं। और जो पंजाब साइड की व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि इसमें मैं इतनी खुश क्यों हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो यहाँ मिलती नहीं है। ये देखें जी, ये वाला झाड़ू ये वाला झाड़ू जो है वो आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा लाहौर के किसी भी इलाके में, पंजाब के किसी भी सिटी में, कहीं भी नहीं। ठीक है ना? तो मैं पिंडी भी गई थी, मैं इस्लामाबाद भी गई थी, मैं पिंडी से आगे कोटा भी गई थी, मुझे कहीं भी इस तरह का झाड़ू नहीं मिला। तो मैंने वैसे अम्मी से 4 मंगाई थी झाड़ू, लेकिन अम्मी 4 नहीं लेकर आई हैं, अम्मी लेकर आई हैं 2। दो जी, क्योंकि इंशाल्लाह ये है कि खैर से आना जाना तो हमारा लगा ही रहता है। तो मैंने कहा कि अभी मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो फिर मैं ये कि 2 झाड़ू और मैंने कभी भी जो है ना यहाँ लाहौर की, मेरी शादी को कितने साल हो गए, 13 साल, लाहौर की झाड़ू मैंने यूज़ ही नहीं की अभी भी। जब अम्मी जितने दिन कराची रह कर आई तो मैं घर धो लिया करती थी बजाय इसके कि झाड़ू लगा लेती जी। यहाँ की झाड़ू अच्छी नहीं लगती। आदीप जब टोर हो रहा है, अब जिस जिसने भी देखी है जिनके गिफ्ट लाई हूँ वो कह रहे जी हमें भी झाड़ू ला कर देती है। मैंने कहा नहीं भाई, अब तो ये घर के लिए 2 आई हैं, अभी नहीं, फिर जाएंगे तो फिर ला कर देंगे। और बाकी आप चीज़ें देख चुके हैं जिसमें निम्को है काफ़ी सारी, मेरे भाई ने भेजी है और दोनों भाइयों ने भेजी है, और एक ने मिठाई भेजी है, एक ने कपड़े भेजे हैं माशाल्लाह से बहुत सारे, वो भी मैं आपके साथ। बुरहान तोहफा तो ये है, सही तोहफा सबसे मुझे जो अच्छा तोहफा मिला ना वो ये है। और एक और अच्छा सा तोहफा था जो मैंने अपनी फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट रखा है वो है मेहंदी, तो वो भी मैं अपनी दोस्त को भेजूंगी। कराची की मेहंदी बहुत फेमस है। ये तो हमने आपको बताया ही नहीं है कि कराची की मेहंदी के कितने शौकीन है लाहौर वाले कि हमारे लिए नहीं लाए जी, हमारे लिए नहीं लाए। मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर लाएंगे। लेकिन अभी जिस जिस के लिए लाई है ना अम्मी उनको हमने दे दी है, देनी है। एक मेरी जो नेबर है उनको दी है और मेरी फ्रेंड है उनको देनी है, और अभी जिनको देनी रखी हुई है क्या हुआ है आदि? फातिमा की जो कजन्स हैं उन्होंने फातिमा के लिए इतना प्यारा प्राइज, इतना प्यारा क्या हो गया प्रेजेंट भेजा है। दिखाओ ज़रा बास्केट पूरी, और उस बास्केट में जिस तरह से मैंने तहरीन को दिया था उसकी बर्थडे पे, मैंने तो कॉस्मेटिक्स की चीज़ें दी थी ना, लेकिन उन्होंने सारी वो चीज़ें भेजी हैं, सारी वो चीज़ें जो फातिमा को बहुत बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है इसमें। हाँ ये देखें, इसमें वो सारी चीज़ें जो अभी ये ना हम अभी खोल नहीं रहे क्योंकि फातिमा के बाबा नहीं आए ऑफिस से, फिर उनको कैसे पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें दी हैं। और इसके अंदर इन्होंने ढेर चॉकलेट्स भेजी हैं, इनको पता है मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। तो जब तहरीन के बाबा आएंगे ना फिर हम इसको ओपन करेंगे, फिर ये खाएगी मंड के फातिमा,
हाँ जी इतना नहीं होगी मेरा दुपट्टा मेरा दुपट्टा इतना नहीं होगी कि तबीयत खराब हो जाएगी कि हमारे पेपर चल रहे हैं हाँ पहले खांसी हो रही है चलो रखो उसको साथ में था हबशी हलवा वो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया खाया देखा आपने कितना टेस्टी था उसके ऊपर वॉलनट्स लगे हुए थे बहुत ही मज़ेदार और अभी फ़ोन आ रहा है मेरा ख्याल से हाँ और क्या था और हांडी वो जो थी वो वहाँ पे बिरयानी मिलती है उसमें तो अम्मी ने कहा कि मैं यहाँ पर उसमें मिर्चों का अचार डालूंगी या फिर साग बनाऊंगी या इस तरह की चीज़ें जो हांडी एक हांडी बनती है वो होता है शब देख जो ओवरनाइट बनती है वो मैं इसमें बनाऊंगी इंशाल्लाह ये वाली जो पहले हम यूज़ कर रहे थे बिफोर एंड आफ्टर मैं आपको अभी दिखाऊंगी ये दिखाओ पहले बिफोर हाँ ये देखो जी बिफोर ये वाली झाड़ू हम यूज़ कर रहे थे जब तक अम्मी नहीं आई थी क्योंकि मैं घर ही धोती रहती थी दिल ही नहीं करता था कि मैं झाड़ू लगाऊं तो ये बिफोर है और आफ्टर भी अब आपको दिखाएंगे ये आफ्टर इसको, इसको, इसको मैं बताती इसको हमने क्या इसको हम बाहर में लेके गए हमने इसकी मतलब इसकी ना बाल है उसको हमने डाई करवाया ये ऐसे अभी साफ है तो ये है आफ्टर ठीक है चलो टेरिस